कितने खुश हैं? कोई खुशी नहीं है। आप लोग भी मांग कर रहे थे ना राजकर्मी का दर्जा चाहिए। कहाँ राजकर्मी का दर्जा मिला? हम लोग कब से एग्जाम दिए मार्च फरवरी में, अप्रैल में रिजल्ट निकला, उसके बाद कोई नियम पता है ना कानून पता है। सर आप देख ही रहे हम लोगों की स्थिति, ये तरीका है। अगर हम टीचर हैं तो ये व्यवस्था आपको लगती है कि सही है? हो रही है कि महिलाओं को मतलब पोस्टिंग के समय ध्यान रखा जाएगा कि। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट विहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद अपने डॉक्यूमेंट जो को है उसको वेरिफिकेशन कराने के लिए अभी पहुँचे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और तमाम जो शिक्षक और शिक्षिकाएँ हैं वो लाइन में लगी हैं, कतार में। उनसे ही हम बात करेंगे कि अब राजकर्मी की दर्जा मिलेगी। मैम, आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए पहुँचे हैं, कितने खुश हैं? कोई खुशी नहीं है। आप लोग भी मांग कर रहे थे ना राजकर्मी का दर्जा चाहिए। कहाँ राजकर्मी का दर्जा मिला? हम लोग कब से एग्जाम दिए? मार्च फरवरी में, अप्रैल में रिजल्ट निकला, उसके बाद कोई नियम पता है ना कानून पता है। क्षमता परीक्षा दिए हैं, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा? हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई फायदा होने वाला, सरकार का भी कोई नियम निकला ही नहीं है। और लोगों से भी बात करेंगे। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए आए हैं, क्या लग रहा है कि राजकर्मी का दर्जा आप लोग का मांग था वो पूरा हो? सर आप देख ही रहे हम लोगों की स्थिति, ये तरीका है। अगर हम टीचर हैं तो ये व्यवस्था आपको लगती है कि सही है हम लोगों को टीचर के लिए? राज्यकर्मी का दर्जा तो दे रहे हैं मगर बेनिफिट क्या दे रहे हैं आप? अभी तक उस बारे में ना कोई गाइडलाइन आई है, ना कोई उस बारे में बात करता है। फरवरी में एग्जाम लिए, अप्रैल में रिजल्ट आया, अभी तक हम लोग बस इधर से उधर भटक रहे हैं। अभी तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई हमारे स्थानांतरण को लेके कहिए, या उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं होती है कि हम लोगों को क्या प्रिविलेज दिया जाएगा, क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो क्या बोले अब इस बारे में हम आपको? राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाए जिस दिन, और अच्छे से मिल जाए तो खुशी होगी हम लोगों को। क्या लग रहा है, अभी उम्मीद नहीं है कि राजकर्मी के दर्जा सरकार? तो फिलहाल हम लोगों को कोई, अभी बस भटका रहे इधर से उधर और कुछ नहीं। और लोगों से बात करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैम आप आई हैं, क्या लग रहा है? हमसे पूछे हैं सर, क्या लग रहा है कि सरकार आप लोग को राजकर्मी का दर्जा दे दे तभी हम लोग समझेंगे, अभी तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। उम्मीद है सरकार से? उम्मीद भी नहीं कहा जाए, अभी तो उम्मीद भी नहीं कहा जाए, वेरीफाई हो रहा है बस। उम्मीद ही है बस। परीक्षा देने के समय बहुत से शिक्षक थे, कह रहे थे कि हमारी योग्यता है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, फिर एग्जाम क्यों लिया जा रहा है? अब एग्जाम दे दिए, योग्यता तो लोग शामिल कर ही रहा है, योग्यता तो है ही, इसीलिए हम लोग आज यहाँ तक खड़े हैं। नहीं योग्यता रहती तो फिर नियोजित के दर्जे में ही लगे रहते। आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे? नहीं, ये तो दूसरे प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ तो अभी जो है मेहनत का क्रम शुरू हुआ है, पता नहीं हम लोग कहाँ तक मेहनत करना होगा। क्या लग रहा है, अभी भी संघर्ष जारी है? बिल्कुल, संघर्ष का ही तो ये नतीजा है कि हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। राजकर्मी के दर्जा तक? राजकर्मी का तो दर्जा का तो एक कदम आगे हम लोग बढ़ गए हैं, लेकिन जब तक ऑफिशियल कोई इतनी होती है उसका, हम लोग उसको कामयाबी नहीं समझेंगे। देखिए, यहाँ पे नियोजित शिक्षक हैं, उनसे भी बात करेंगे, उन लोगों से जानेंगे। आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए पहुंचे हैं, क्या लग रहा है राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा आप लोग? क्या बताएं, हम राजकर्मी का दर्जा तो मिल ही रहा है। मिल जाएगा? कितनी खुश है इसके? कोई खुशी नहीं है, स्वैच्छिक स्थानांतरण। वो जिस शिक्षक थे आप राजकर्मी? नहीं सर, मैं BPSC क्वालिफाई भी थी, लेकिन यह स्वैच्छिक स्थानांतरण नहीं होगा अगर, तो कोई खुशी नहीं है। अगर अपने विद्यालय में छोड़ दिया जाए, चाहे ऐच्छिक जो है होता है तभी अच्छा है, नहीं तो। अच्छा, अपने घर से आप कितने दूर जाकर पढ़ाते हैं स्कूलों में? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर दूर? 10 किलोमीटर, तो उसमें तो आराम होगा। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्थानांतरण को लेकर भी बहुत से शिक्षक आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारी ट्रांसफर है जो दूर कर दिया गया है, इसको लेकर कुछ नियम महिलाओं को? सर जो है, मैं तो चाहूँगी कि जिस विद्यालय में उसी विद्यालय में जिसको मन है उसी में छोड़ दिया जाए, नहीं तो स्वैच्छिक स्थानांतरण होना चाहिए। और लोगों से भी बात करेंगे, राजकर्मी के दर्जा को लेकर क्या लग रहा है आप लोग को? इससे के बाद से आप लोगों को राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा? हाँ, लग तो रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है जी? खुश है? हाँ खुश है। सरकार ठीक से ध्यान दे रही है शिक्षकों को? जहाँ हम लोग पहले स्कूल में थे उससे अच्छा मिलने पर ही ना खुशी होगी, उसी तो तभी होगा। बहुत दूर हम लोग को जाना पड़ता है ट्रेन से।
अच्छा, महिलाएं चाहती हैं कि महिला भी आवाज उठाई थी कि अपने घर के पास रहे, सरकार हस्तांतरण हमारे घर के पास करे। क्या लग रहा है कि सरकार इन सब मुद्दों पर ध्यान दे? अगर ध्यान दे तो अच्छा, ऐसे तो कहा तो जा रहा है कि महिलाओं को उनके पास स्कूल में मिलेगा, लेकिन अगर मिल जाएगा तभी हम लोग को खुशी होगी। तो राजकर्मी के दर्जा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि घर के पास में स्थानांतरण हो? दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों इम्पोर्टेंट। देखिए, तमाम शिक्षिका उनसे भी बात करेंगे। क्या लग रहा है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आए हैं, राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा? हाँ, पूरा उम्मीद है, पूरा उम्मीद है जी। आप जो एक समस्या है, आपके कलीग बता रहे थे कि स्थानांतरण को लेकर कि घर से ज्यादा दूर हम पढ़ाने जाते हैं और हम चाहते हैं कि घर के पास में हम रहकर पढ़ाएंगे, तो क्या लगे सरकार इस पर ध्यान देगी? अभी तो बात हो रही है कि महिलाओं को मतलब पोस्टिंग के समय ध्यान रखा जाएगा कि उनका जो विद्यालय हो उनके घर से करीब हो। अच्छा, जो राजकर्मी का दर्जा है मिल जाएगा, और अभी जो आप हैं जो शिक्षक हैं, क्या लग रहा है कि दोनों में क्या अंतर? इसमें वेतनमान मिलने वाला है, राजकर्मी का जो सारा है सुविधा वो सब मिलने वाला है, तो अच्छा है, मिल जाएगा। हम लोग भी इतने साल से काम कर रहे हैं और सबको संतुष्टि मिलेगा कि सफल रहा काम करना। देखिए, यहाँ पे तमाम जो शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं, यहाँ पे राजकर्मी के दर्जा को लेकर लगातार लोग मांग भी कर रहे थे। अब इनका एग्जाम हुआ है, सक्षमता परीक्षा ये पास किए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए पहुंचे हैं पटना और अभी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं। ये नियोजित शिक्षक हैं जो लगातार अपनी मांग को लेकर उठाते रहे हैं, अब इन्हें राहत मिली है। उम्मीद है कि सरकार इन्हें जल्द ही राजकर्मी का दर्जा देगी। वहीं तमाम जो शिक्षिकाएँ हैं उनका कहना है कि महिलाओं को उनके घर के पास ही स्थानांतर कर दिया जाए, उनका पोस्टिंग कर दिया जाए, क्योंकि स्कूल जाने में समस्याएं होती है। इसको लेकर भी लोगों ने अपनी बातों को रखा। बराज को इतना ही, इसे तमाम खुल के अवसर बन गया पटिया झारखंड देख रहे हैं। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।